निंजा मैसेज की एसएमएस टेक्निक। डिंग डिंग। इस टेलीफोन के बच्चे को भी अभी बजना है। हेलो, कौन बोल रहा है? ओ केनजी बेटा, ध्यान से सुनो, मुझे आज अपने बॉस की जगह एक शादी में जाना है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ये बात अपनी मम्मी तक जल्दी पहुँचा दोगे। अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका इम्पोर्टेड कोट लेकर वो 5 बजे तक आपके ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। सुनो शिंजो, कितना चालाक है, खुद यहाँ बैठकर टीवी देख रहा है और मुझे जबरदस्ती बाहर भेज रहा है। अभी मम्मी मार्केट गई हुई है, इसीलिए तुम जल्दी से पापा का मैसेज मम्मी को दे दो। ठीक है, बहुत अच्छा है कि मैं आजकल जल्दी मैसेज पहुँचाने की निंजा टेक्निक सीख रहा हूँ। आपको शादी में जाना है, पापा को शादी में जाना है। अकेले शादी क्या चीज होती है, क्या पता, पापा को शादी में जाना है। डिंग 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 डिंग। मम्मी, आखिर आप इतने स्वेटर्स का क्या करने वाली हैं? कुछ नहीं, लेकिन ये कम पैसों में मिल रहे हैं तो मैं क्यों छोड़ूं? बोलते रहो शिंजो, ना भूल जाओगे, पापा को शादी में जाना है। प्यारे भाइयों और इनकी बहनों, और न्यूज़पेपर एक्सचेंज सर्विस आपका हार्दिक स्वागत करती है। पापा को शादी में जाना है, पापा को शादी में। पुराने न्यूज़पेपर के बदले में आपको नए और खूबसूरत पेपर देते हैं, तो आइए और जल्दी से आकर सेवा। पापा को शादी में जाना है, 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 तो जल्दी कीजिए। पापा को गिफ्ट लाना है, शादी गिफ्ट पापा। अरे मैं भूल गया, मैसेज क्या था, अब मैं क्या करूं? शिशि मानो, तुम्हें कुछ याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है। अरे अब हम क्या करेंगे? अच्छा शिशि मानो, तुम भाग कर जाओ और केनिची से वापस मैसेज पूछ कर आओ। ठीक है, जल्दी से जाता हूँ। प्लीज जल्दी आना। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या वो मैसेज ही भूल गया? अच्छा रुको, फिर मैं इस बार पेपर पर लिख कर देता हूँ। शुक्रिया। कबड्डी 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 कबड्डी। ये चॉकलेट रोल्स एक बार खाएंगे, बार बार खाएंगे। चॉकलेट रोल्स, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आता है। अरे रुक जाओ। जी हाँ, पतझड़ यानी स्पोर्ट्स का मौसम आने वाला है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स वेयर की ब्रांड सेल लगाई है। कौन सा कागज था वो? मिल गया। कबड्डी 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 कबड्डी। आगे शिंजो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। स्पोर्ट्स वेयर की सेल। अच्छा शिशि मनुष्य, कबड्डी 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 कबड्डी। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरा दिल फूल की तरह खिल जाता है युमी को। कबड्डी कबड्डी। ओ शिंजो, तुम यहाँ? जल्दी बोलो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे जल्दी जाके पापा का मैसेज मम्मी को देना है। क्या था मैसेज? हाँ, मम्मी को ना 5 बजे से पहले पापा को ऑफिस में स्पोर्ट्स वेयर पहुँचाना है। मम्मी मार्केट गई हुई है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी तो 4 बज गए हैं। तुम जल्दी नहीं गई तो समय से नहीं पहुँचोगे। मैं पहुँच जाऊंगा। अरे जरा रुको तो, अमारा इसकी जगह तुम ये मैसेज क्यों नहीं दे देते? अरे पर मैं क्यों जाऊँ? इसलिए क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और टाइम पर नहीं पहुँच सकता। ओ अमारा, तुम दूसरों की कितनी मदद करते हो, सच में तुम कितने अच्छे हो। जाता हूँ। इस मैसेज को भी अभी बीच में टपकना था। मैं युमिको के साथ कितने मजे से दिल के गार्डन में टहल रहा था, ये अगर मैसेज बीच में नहीं आया होता तो आज तो। केनिची के पापा ने 5 बजे तक स्पोर्ट्स वेयर ऑफिस में पहुंचाने के लिए कहा है, लगता है वो किसी मैराथन में दौड़ने वाले हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब हथौड़ी भी आंटी के साथ आया है। ठीक है, तो मैं इसे गलत मैसेज देकर इसके साथ एक चाल चलता हूँ, आखिर में बैंड तो इसकी ही बजेगी ना। अरे हथौड़ी सुनो तो। हाँ डिनिंग, हमारा तुम यहाँ भी मुझसे लड़ने चले आए? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम जानते हो मैं तो यहाँ पर केनिची के पापा का एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। डिनिंग क्या मैसेज देना है? केनिची के पापा ने शाम 5 बजे तक अपना इम्पोर्टेड कोट ऑफिस में देने के लिए कहा है। ये मैसेज केनिची की मम्मी को दे देना, बाय बाय। हाँ? मम्मी असल में फंस गया बेचारा। अच्छा अब मैं समझ गई, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम बचा है। हथौड़ी, मैं ये सब सामान लेकर घर जाती हूँ और तुम ऑफिस जाकर पापा को कोट दे आओ। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाता हूँ मम्मी। डिंग डिंग।
पहले को ड्राई क्लीनर से ले लेना। ठीक है मम्मी। डिंग 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 डिंग। अब हथौड़ी के बच्चे को पता चलेगा आखिर हमारा किस चिड़िया का नाम है। ये तुम क्या लेकर आए हो हथौड़ी? देखो इसमें मैं कार्टून लग रहा हूँ, कार्टून लग रहा हूँ। वो सीन तो सचमुच जबरदस्त होगा। डिंग 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 डिंग। ये बेचारा काम के बोझ का मारा। आज तो केनिची के पापा से हथौड़ी को बहुत डांट पड़ी होगी। हथौड़ी, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मुबारक हो मिस्टर तौबा तौबा। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। तो तुम यहाँ हो। कौन है? टाइम पर मैसेज देने के लिए तुम्हारा थैंक्स दोस्त। पापा इस समय तुम्हारी वजह से इतने खुश हैं। तुमने तो कमाल कर दिया हमारा। मैं तो हमेशा अच्छे ही काम करते रहता हूँ। कई बार हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। डिंग डिंग। हम चले दुकान की पब्लिसिटी के लिए। डिंग डिंग। इनमें से कौन सी खरीदूं? सभी टेस्टी लग रही है। ये वाली पेस्ट्री सचमुच बहुत टेस्टी है, लेकिन ये महंगी भी है। हाँ, ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। वैसे देखता हूँ, बजट कम है। मुझे हथौड़ी शिंजो और शिशिमानु के लिए भी खरीदनी है, इसीलिए थोड़ा सस्ता बताइए आंटी। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारी पेस्ट्री। क्यों आंटी, कैसी है आप? ओ अमारा, तुम आ गए। अरे अमारा, तुम्हारा भी बजट कम है क्या जो तुम यहीं से पेस्ट्री खरीदते हो? कोई सस्ती और अच्छी पेस्ट्री है क्या? है ना, क्यों नहीं। देखने में तो ये काफी टेस्टी लग रही है, मुझे ये खरीदनी चाहिए। एक दे दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, देती हूँ। लगता है इसे मुझसे ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है। थैंक यू आंटी, बाय बाय, चलता हूँ। अरे अरे अमारा सुनो, अमारा मुझे लगता है तुमने आंटी को पेस्ट्री के पैसे नहीं दिए। हाँ नहीं दिए तो? लेकिन क्यों नहीं दिए तुमने पैसे? असल में मैं अपने स्कूल के न्यूज़पेपर में इस केक शॉप का ऐड देता हूँ, मतलब कि मैं इस केक शॉप का स्पॉन्सर हूँ ना, इसलिए। क्या कहा, स्पॉन्सर? हाँ सही सुना, इसके बदले में मैं कभी कभी उस केक शॉप के केक ले आता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये अमारा तो शाना निकला। पेस्ट्री बहुत टेस्टी थी। हाँ बहुत टेस्टी थी। इतनी मीठी मीठी पेस्ट्री खाने के बाद तो अब मेरा तीखा खाने का मन कर रहा है। हाँ तीखा खाने का मन कर रहा है। अपने पेट को जरा कंट्रोल में रखो शिंजो, हमें पेस्ट्री खिलाने में केनिची अपनी पूरी पॉकेट मनी खर्च कर चुका है। अगर हमें कोई स्पॉन्सर मिला तो अपनी तो निकल पड़ेगी दोस्तों। स्पॉन्सर? स्पॉन्सर ये किस बला का नाम है? तुम शायद यही कहना चाहते हो कि मैं अपने रेस्टोरेंट का विज्ञापन तुम्हारे स्कूल के न्यूज़पेपर में छपवा लूं। हाँ आप बिल्कुल सही समझी हैं आंटी, इतनी सारी पब्लिसिटी के बदले आपको सिर्फ 5 या 6 क्रैकर्स ही तो देने पड़ेंगे। मजा आ गया, थैंक यू केनिची। मेरी तरफ से भी। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, अब बस मुझे इस रेस्टोरेंट के लिए एक एड लिखकर स्कूल के न्यूज़पेपर में ही तो छपवाना है। स्कूल के न्यूज़पेपर में? और क्या। नहीं सर, मैं। अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम क्या लिखने वाले हो। वो सर मैं असल में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा उस केक शॉप वाली से ऐसा कोई वादा कर सकता है। बिल्कुल, अगर आप उस केक शॉप वाली आंटी से पूछेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। क्या कहा, हमारी शॉप का एड आपके स्कूल के न्यूज़पेपर में छपता है? आपको कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा मत कहिए। अच्छा तो फिर आप ये बताइए कि आप हमारा को बिना पैसे दिए पेस्ट्री क्यों ले जाने देती हैं आंटी? अच्छा तो तुम उस लड़के की बात कर रहे हो, वो हमारा पुराना ग्राहक है, वो पैसे हमेशा महीने के आखिर में देता है। यानी कि उधार? ये क्या है केनिची? फिर मेरा पोपट बना दिया। बुद्धू बनाने की निंजा टेक्निक तो वाकई काम आ गई। बेवकूफ कहीं के, हमेशा ऐसी बेकार की हरकतें क्यों करते हो? एक बूढ़ी औरत को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ उनको किस के पैसे अभी के अभी देकर आओ। ओके सर, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बेशर्म कहीं का। आइडिया, अगर मैं आंटी को क्रैकर्स ही वापस कर दूं तो?
शिंजो शिशिमानु वो क्रैकर्स कहाँ है? हमने खा लिए, थैंक यू वेरी मच। नहीं मतलब एक भी नहीं बचा। केनिची, अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं उस बूढ़ी आंटी को पैसे देना चाहता हूँ हथौड़ी। अगर हम उस बूढ़ी आंटी की दुकान को पूरे शहर में फेमस कर दे तो तुम भी तो यही करने वाले थे ना? क्यों, कैसा है मेरा आइडिया? आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? पता चल जाएगा। ये लो सामान आ गया, ये भी आ गया और ये भी। हथौड़ी तुम प्लीज मुझे बताओगे कि तुम क्या करने वाले हो? स्पेशल आर्ट वाली निंजा टेक्निक है, चलो दे ताली। अगर आप क्रैकर्स के शौकीन हैं तो चटपटे में आइए, जाइए चटपटे, शहर की नंबर वन दुकान। हमारे पास है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। यहाँ मिलते हैं हर वैरायटी की पेस्ट्रीज और खट्टे मीठे क्रैकर्स। आपको हर वैरायटी सस्ते दाम में मिलेगी। आइए आइए, मौके पर चौका लगाइए, देर मत कीजिए, आइए आइए। तो जल्दी आइए और मौके का फायदा उठाइए। डिंग 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 डिंग, शहर की नंबर वन दुकान है। चटपटे चटपटे, जल्दी आइए और आजमाइए। आपकी मेरी हम सब की एक ही पसंद है और वह है केनिची के क्रैकर्स। आइए आइए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अरे ये तो क्रिस्पी और क्रंची क्रैकर्स चाहिए था। जरूर आइए, लाजवाब टेस्टी क्रैकर्स के लिए जरूर आइए। हमारी दुकान शहर की नंबर वन दुकान है, एक बार आएंगे तो बार बार खाएंगे। ये लड़के कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा आखिर ये है कौन। तो पकड़े जाएंगे। थक गए। थैंक्स हथौड़ी, वरना आज बिना बारात के मेरी बैंड बच जाती। अरे कोई बात नहीं केनिची, दोस्ती में तो आखिर ये सब चलता ही रहता है। डिंग डिंग। ठंडे पानी में स्विमिंग कॉम्पिटिशन। डिंग डिंग। नदी पर कल सुबह 10 बजे से ठंडे पानी में तैरने का और जबरदस्त करतब दिखाने का बहुत बड़ा कंपटीशन है। आप सभी इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस कड़ाके की ठंड में नदी में तैरने वाले की तो कुल्फी ही जम जाएगी। तभी तो एक कंपटीशन है, कोई मदारी का खेल नहीं। बिल्कुल सही कहा सर, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। ये हुई ना बात हमारा, तुम सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो। ओ हमारा, तुम्हारा ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो रात को सपने में भी ठंडे पानी में तैरता रहता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और मैं केनिची जैसा डरपोक और कमजोर भी तो नहीं हूँ ना। वाह, मैं भी कंपटीशन में तैरूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि ठंडे पानी में तैरने वाले की कुल्फी जम जाएगी। हाँ कहा था, लेकिन वो तो दूसरों के लिए था, मैं तो बचपन से ही ठंडे पानी में तैरता आ रहा हूँ। ठीक है, तो कल होने वाले इस कंपटीशन में अमारा और केनिची दोनों ही ठंडे पानी में तैर कर अपने अपने हुनर दिखाएंगे। बिल्कुल सर। केनिची आओ ना, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। तुम भी आओ ना। क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? शिंजो तुम एक निंजा हो, इसीलिए प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। कोई प्रॉब्लम तो बताओ। हाँ बताओ ना। तुम तब में इतनी ज्यादा बर्फ क्यों डाल रहे हो? ट्रेनिंग पके होने पर ही तो कॉम्पिटिशन जीतोगे, मेरी ट्रेनिंग से बहुत फायदा होगा तुम्हें। सही कहो। बिल्कुल सही। ये लो और लो। डिंग डिंग। अच्छा तो अब समझा कि ठंडे पानी में कल होने वाले स्विमिंग कंपटीशन में केनिची का जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन इसे कोई वादा नहीं करना चाहिए जो पूरा ना कर सके, इसे कहो। लेकिन अब तो मैं वादा कर चुका हूँ ना, और अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। प्लीज हथौड़ी, थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी कोई निंजा पावर दे दो, प्लीज मेरा नाम खराब होने से बचा लो हथौड़ी। केनिची मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर तुम्हारा मुकाबला अमारा से है तो मैं ऐसे भी चुपचाप बैठकर तुम्हें हारते हुए भी तो नहीं देख सकता। और ठंडे पानी में आराम से रह लेने वाली निंजा टेक्निक भी तो होती नहीं है ना। शिंजो एक ऐसी निंजा टेक्निक है तो जरूर। हाँ? अब देखो
ये ड्रेस देखने में तो बिल्कुल इंसान की खाल की तरह है, लेकिन ये जानवर की खाल से बनी है। इस ड्रेस में जो खाल जुड़ी है उसमें फर है और इसलिए ये बहुत गर्म होती है। साथ ही इसके अंदर की हवा की वजह से इसे पहनकर कोई भी आराम से तैर सकता है। मतलब जब मैं इसे पहन लूंगा तो मुझे ठंडे पानी की ठंडक का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अभी तो निकल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत गर्म है और बिल्कुल मेरी साइज की ही है। डिंग डिंग, ये है निंजा की 2-in-1 खाल की टेक्निक। अरे वाह, इसे पहनने के बाद तो हमारा मुझे बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। पर जरा ध्यान से सुनो केनिची, इस 2-in-1 खाल का एक नुकसान भी होता है। क्या कहा, नुकसान? और वो है क्या? ये स्पेशल टेक्निक से बनी हुई ड्रेस है, इसीलिए इसे पहनने के बाद बहुत होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सी खरोच भी इसके टुकड़े टुकड़े कर सकती है। अच्छा, तो बस यही नुकसान है, इसके लिए तुम हमेशा फिकर नॉट रहो। केनिची, तुम्हारे बारे में मेरी सोच बदल चुकी है। मैं ऐसे थोड़े से ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं डरता। केनिची, तुम्हारा मुकाबला हमारा से है, इसलिए तुम्हें खुद को एकदम रिलैक्स दिखाना होगा। ओए कियो, मुझे तो लगता है केनिची जानबूझकर अपनी कुल्फी बनवाने के लिए तैयार हुआ है। हाँ, वो तो अरे है। कुछ नहीं यार, मुझे तो लगता है ना इसके पीछे उस हथौड़ी का ही कोई आइडिया होगा। अच्छा सुन कियो, जरा उस केनिची पर अच्छे से नजर रखियो। मुझे लोगों पर नजर रखना बहुत पसंद है। सभी कंटेस्टेंट्स ध्यान से सुनिए, उस किनारे पर पहुंचने के बाद लौट कर फिर इसी किनारे पर आना है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो अपनी पोजीशंस ले लीजिए। On your marks. बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों घुमाओ और स्विमिंग करते रहो। कमाल। जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो। जीत गया तो मैं ही। हमारा, जल्दी करो, आगे बढ़ाओ जल्दी। अरे वाह, यूमी को मेरे लिए केरम कर रही है। कैसी रही हमारा? दाईं तरफ से निकलो। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? तुम मेरे आगे जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे कौन है? तेरा पैर क्यों खींच रहे हो? अरे कौन है? अरे कौन है? छोड़ दो, तुम्हारा हाथ निकाल रहा है। अरे हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? अरे कौन है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। केनिची और हमारा एक ही जगह पर इतनी देर तक रुक कर क्या कर रहे थे? इसलिए मैं भी तुम लोगों से नाराज हूँ। चलो अच्छा है कि तुम दोनों ने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो किया। ओकियो, ये सब तेरी गलती है, चल कर देखता हूँ। चल बचाओ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। दोस्तों, ये अच्छी बात रही कि मुझे तैरने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जल्दी से जाकर अपने कपड़े पहन लो केनिची, वरना ठंड लग जाएगी। कैसी बात कर रहे हो हथौड़ी, तुमने ही तो मुझे वो 2-in-1 खाल दी जो ढाल बनकर मेरे काम आई। वो खाल तो कब की निकल कर नदी में तैर रही है। हाँ, सही कहा। देखो वो लाई। मतलब मैंने कुछ नहीं पहना है क्या? ये जानने के बाद तो मुझे और भी कड़ाके की ठंड लगने लगी है। जब नसीब में हो ठंड तो कहाँ से खाओगे श्रीखंड? कभी कभी सच ना बोलने में ही अच्छाई होती है। डिंग डिंग।